हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन ट्रिक्स देखने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे बात करेंगे हम ट्रिक नंबर वन की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज मिलती रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रिक हम देखने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाएगी, पेन कॉपी साथ में रखना है क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन है, तो उन चीज़ों को हम नोट कर लेंगे तो इन फ्यूचर भी हमें याद रहेगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, 96 मल्टीप्लाई बाय 97। ठीक है, मतलब अभी जो ट्रिक नंबर हम फर्स्ट देखेंगे वो ये देखेंगे कि ऐसा नंबर जो 100 के नियर बाई हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेस जो मानना है वो क्या मानना है, 100 बेस मानना है। तो मुझे बताइए ये नंबर 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, ये नंबर कितना कम है, 3 कम है। तो अगर आप 97 में से 4 माइनस करेंगे तो भी आपके पास में 93 आएगा, यस या नो। और 96 में से 3 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 93 आएगा। कैसे भी कर लो, चाहे इस संख्या को इसमें से घटा लो, इसको इसमें से घटा लो, घटा लिया। उसके बाद में जो संख्या यहाँ पे गिवन है माइनस 4 और माइनस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 3 = 12 आंसर। एक और देखिए एग्जांपल फटाफट से, मान लीजिए आपके पास में आ गया 94 मल्टीप्लाई बाय 95। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 100 बेस मानना है, तो 94 100 से कम है, तो 95 कितना कम है, 5 कम है। इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो, बात बराबर है, तो कितना आएगा, 89। और इसको इसको गुणा कर दो, 6 × 5 = 30 आंसर। आ रही बात सभी को, यस या नो। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई भी नंबर जो 100 के पास में है, जैसे कि हमने लिया 92 मल्टीप्लाई बाय 97। ठीक है, तो 92 कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, इसको घटा लो चाहे इसको घटा लो, बात बराबर है, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 89, यस या नो, 89। और इसको इसको गुणा कर देंगे तो 8 × 3 = 24 आंसर। नंबर सेकेंड, और ऐसी ट्रिक्स अपने दोस्तों से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें जिससे कि वो लोग भी अपनी कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो ट्रिक नंबर सेकंड स्टूडेंट, ट्रिक नंबर सेकंड है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास में आ गया 100 से ज़्यादा, जैसे कि 104 × 105। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा है, तो क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, 100 से ही करना है, जो कर रहे थे वही करना है, लेकिन इस बार ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4, कितना ज़्यादा है, 5, चाहे इसमें से इसको कम कर लो, चाहे इसमें से इसको कम कर लो, क्या आएगा हमारे पास में, इसको चाहे इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा है ना, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे और कम है तो कम करेंगे, तो 105 + 4 = 109 या 104 + 5 = 109, ऐसे ना, बात बराबर है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 आंसर। चलिए और देखते हैं कैसा क्वेश्चन, 103 × 109। ठीक है, कितना ज़्यादा है भाई, 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, 9 ज़्यादा है, इसको चाहे इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें जोड़ दो, 12 ही आएगा, 112, 9 × 3 = 27 खत्म, काफी है ना, यस या नो। चलिए, और आपको अगर क्विज देना है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखनी है, इन इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पे आपको क्विज देना है, तो नॉलेज बुक्स के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप ऐसे क्विज भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप विजिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में आ गया 102 × 107, कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, इसको चाहे इसमें जोड़ लो चाहे इसको इसमें जोड़ लो, क्या गया, 109, 7 × 2 = 14 आंसर, खत्म। देख पा रहे हैं कितनी फास्ट कर पा रहे हैं अपन, यस है नो। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है स्टूडेंट्स, वो ही रेस में आगे रहता है। चलिए, 103 × 108 फटाफट से करिए, 103 × 108 को हम क्या करेंगे, जल्दी से, 1, 2, 3, 4 और 5, स्टॉप, रुक जाइए भाई, सिंपल सा था, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, जोड़ दीजिए दोनों को, चाहे 111 ही आएगा, 8 × 3 = 24 खत्म, समझ पा रहे हैं आप। तो ये था ट्रिक नंबर सेकंड, कि अगर कोई नंबर 100 से ज़्यादा हो, लेकिन एक कंडीशन और बन सकती है, क्या, अगर मान लीजिए कोई नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर 100 से ज़्यादा हो, एक नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर 100 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमने बनाई है ट्रिक नंबर 3। देखिए ट्रिक नंबर 3, इन ट्रिक्स पे आप 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो फैमिलियर हो जाएंगे,
अपने ब्रेन में सेट कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए मान लीजिए ट्रिक नंबर थ्री हम देख रहे हैं, एक नंबर में ले रहा हूँ 95 और दूसरा नंबर ले रहा हूँ मैं मान लो 104, और मैंने बोला कि भाई इन दोनों को गुणा करो। अब समस्या ये आ गई कि एक नंबर ज़्यादा है 100 से और एक नंबर कम है 100 से, ऐसे आनो तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, अगर ये कम है तो कम लिखेंगे, अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखेंगे, जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे। अब चाहे आप 95 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 99, और अगर आप 104 में से 5 कम करोगे तो भी क्या आएगा 99 आएगा, तो एक बात तो वही प्रोसेस होगा 99, ठीक है। अब हमें इसके आगे दो जीरो लगानी है, कितनी जीरो लगानी है, दो जीरो लगानी है, और दो जीरो लगाने के बाद में 5 चौका 20 कम कर देना है, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू आएगी, ये माइनस ये प्लस, जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, ऐसे है ना, तो 5 चौका 20 तो इसमें से हम 20 कम कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 8, तो 980 हमारे पास में राइट आंसर होगा। आई बात समझ में, थोड़ा सा एक स्टेप ऐड करना है। चलो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, मान लीजिए आपके पास में आ गया भाई 93 मल्टीप्लाई 107, क्या करना है, ये 7 कम है ये 7 ज़्यादा है, ऐसा एक सीन है ना, ये 7 कम है ये 7 ज़्यादा है, चाहे 107 में से 7 घटा लो तो भी 100 आएगा, और 93 में 7 जोड़ दो तो भी 100 आएगा, यस यानो, उसके आगे दो जीरो लगानी थी, यस यानो, उसके आगे 7 से 49 मतलब माइनस करना था कितना 49, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 49 माइनस करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 1, और यहाँ से क्या आएगा 5, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 9, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 9951, क्लियर है क्या। चलिए मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग और करें इसी पैटर्न पे, मान लीजिए आपसे बोल दिया गया 91 मल्टीप्लाई बाय 104, ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए, क्या बोलेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश, काफी लोगों ने आंसर दे दिया, ग्रेट। देखो ये 100 से कम है और ये 100 से ज्यादा है, चाहे इसमें इसको जोड़ लो चाहे इसमें से इसको घटा लो, बात बराबर ही आएगी, मतलब 95 ही आएगा, क्लियर है क्या। 91 में 4 जोड़ेंगे 95, 104 में से 9 कम करेंगे 95, क्या करना था, दो जीरो लगा के 9 चौक 36 कम करना था, यस या नो, सिंपल। तो यहाँ से क्या आएगा 4, और 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ से 4 और 9, 9464, जिसका आंसर है परफेक्टली राइट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप चाहे कितने ही कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से फैमिलियर नहीं हैं स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और भी इंटरेस्टिंग क्विज, IAS इंटर क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैथ रीजनिंग के क्विज देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।